खींचा है। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा मैम कि आपने ये पुस्तक लिखने की सोचा क्या, आपके दिमाग में क्या था कि मुझे क्यों ये पुस्तक लोगों को देना चाहिए। और नाम से मैं श्रोताओं को बता दूं कि फियरलेस गवर्नेंस का मतलब किरण बेदी जी का वो अनुभव जो सरकार को प्रशासन को चलाने में रहा है, संवैधानिक दायरे में रहा है, या जनता को अपने लोगों को अपने नागरिकों को की मदद के लिए कई बार वो अपने दायरे के बाहर गई हैं। लेकिन किरण बेदी जी के लिए ये पहली बार नहीं हुआ, वो जब भी जहां भी रही हैं वो हमेशा दायरों को तोड़ती रही हैं, सीमाओं को तोड़ती रही हैं। जनहित में नियम कानूनों को अगर उन्होंने कभी उसकी अनदेखी की या उसका अतिक्रमण किया तो सिर्फ इसलिए किया कि किसी की मदद हो पाए। तो यहां भी फियरलेस गवर्नेंस का मतलब कोई वो नहीं भी कहेंगी तो ये किताब समझ में आएगा कि डॉक्टर बेदी ने लिखा है और इसमें प्रशासन, लेकिन इसमें प्रशासनिक अनुभव केवल नहीं, उनके काम करने का केवल तरीका नहीं, बल्कि उनका पूरा एक समूचा जीवन जो वर्ष और समय उन्होंने बिताया है पांडिचेरी में और जिस रूप में बिताया है उसको दर्ज किया है। तो मेरा सवाल ये है मैम कि आपने इस पुस्तक को लिखने के बारे में आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं इसको जनता को दूं, लोगों को दूं? पांडे साहब, मैं पहली बार ही नहीं लिखा है, आपको पता है मेरे पहले काम लिखे चुके हैं। जी जी, वो मुझे पता है, लेकिन मैं बता रही हूँ हिम्मत है यो हिंदी में और आइडिया इंग्लिश को, वो बायोग्राफिकली ऑटोबायोग्राफिकल, उसमें मेरे पुलिस के काम में है, ट्रैफिक पुलिस का चैप्टर है उसमें, क्राइम प्रिवेंशन का चैप्टर है, नशा मुक्ति का चैप्टर है, सो वो आइडिया जो है मेरी पुलिस के काम पर है। फिर इट्स ऑलवेज पॉसिबल, संभव है, वो सारे प्रिजन के काम पर है। तो तीनों पुस्तकें मेरे पुलिस के काम में या मेरे प्रिजन के काम में लिख चुके हैं। ये कुदरती है, ऐसे हुआ, इट्स ऑलवेज पॉसिबल। तो लिखा गया पोस्ट डॉक्टर वर्क से, क्योंकि नेहरू फेलोशिप मिली थी, वो मुझे पुस्तक नेहरू फेलोशिप मिली इसलिए थी कि मुझे एंड में पुस्तक लिख दी, तो मैंने पुस्तक लिख दी। फिर मैं जब आइडियर पुलिस का काम हो रहा था तो इतना अच्छा हुआ था कि अशोक चोपड़ा जी वो हे हाउस में तब काम करते थे, तो उन्होंने कहा किरण ये काम लिख दो, तो मैंने कहा मुझे तो लिखने का टाइम नहीं है, बोले नहीं नहीं बायोग्राफी बनाएंगे, तो वो बायोग्राफिकल लिखा क्या। लेकिन जब मैं एलजी हाउस में आई, देखो पीएचडी करने का बड़ा फायदा होता है कि आप ऑटोमेटिकली राइटिंग ओरिएंटेड बन जाते हो, क्योंकि डिसर्टेशन लिखते हो, रिसर्च करते हो, इसलिए एकेडमिक जो है ना ट्रेनिंग, ये आपको लिखने की तरफ ले जाती है। और दूसरा मेरा रुझान भी था, मेरा रुझान हमेशा एजुकेशन की तरफ रहता है, और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखती हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्स के संभालने की आदत मेरी टेनिस प्लेइंग डेज से है। जब मैं छोटी थी और मैं ट्रैवल करती थी हिंदुस्तान भर में, तब कोई टेलीविजन होते नहीं थे, टेलीफोन ना रेडियो होते थे, तो आपकी न्यूज आपको कैसे पता चलेगी कि आप खेल रहे विशाखापट्टनम में और दिल्ली के अखबारों में क्या आया, आपको नहीं पता चलेगा। तो आप, मैं जब घर वापस लौटती थी खेल के, मेरे पिताजी मेरे स्पोर्ट्स पेज पे जो मेरी न्यूज आई होती थी उसका कटिंग काट के रखते थे और वो फाइल बनाते थे। तो जब मैं आती थी तो मुझे कहते थे देख तूने जो जीता हारा ये लिखा है, अखबारों ने ये लिखा है। तो मैं आकर, और तब मैं अमृतसर में रहती थी, तो देखिए कितनी दूर से हम ट्रैवल करके आते थे, तीन तीन दिन गाड़ियों में थर्ड क्लास ट्रैवल से आते थे और कितनी दिनों के बाद आते। तो मेरे पिताजी सारे अखबारों को संभाल के रखते थे और फिर मुझे दिखाते थे कि बेटा तेरे ये न्यूज़पेपर आई, ये रिपोर्टिंग की उन्होंने तेरे टेनिस मैच की, और वो संभाल के रखते थे। ये जो संभालना है डॉक्यूमेंट्स का, जो मुझे बड़े उस वक्त को मैंने मुझे दिखाने के लिए रखते थे, तो जब मैं देखती थी तो मेरे पापा कैसे उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पूंजी थी, यही डॉक्यूमेंट्स, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, मुझे इसकी आदत कंटिन्यूड रही। जब मैं पुलिस में आई तो मैं अपने न्यूज कपिंग, मेरे हर इंटरव्यू में कोई भी मर्डर की स्टोरी, कोई स्टोरी मैं जो आप लोग छापते ही रहते थे, तो मैं उसकी पर फाइल बनाती थी, उसकी पूरी स्क्रैप बुक बनाती थी। आपको हैरानी होगी, अब तक मेरी स्क्रैप बुक और टेनिस मैचेस की, जब मैं 14 साल की थी, अब तक मेरे पास अपना रिकॉर्ड है। तो जब मैं एलजी हाउस भी गई तो वो कंटिन्यूड रहा, जो भी हमने काम किया। अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी का फायदा हो गया,
लेकिन अखबारों में अगर कोई आया, जो मैंने ब्लॉग लिखा, जो मैंने ट्विटर पे लिखा, जो मैंने व्हाट्सएप दिया, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी, वो मेरी फाइल्स प्रेजेंटेशन हुई, सिस्टम बदल गया, लेकिन मेरी डॉक्यूमेंटेशन वैसी रही। और मैंने एक कमरे को पूरा डॉक्यूमेंटेशन रूम बनाया और अपने अनट्रेन्ड लोगों को ट्रेन किया मेरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये नहीं पता था कि एक दिन मैं किताब लिखूंगी, लेकिन आदत है ना, तो जैसे मुझे मौका मिला, बुक तो मेरे दिमाग में दिल के में से बढ़ती गई। और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि इतना कुछ हुआ, इतना कुछ मैंने देखा, इतना परेशानी मैंने देखी, इतनी उपलब्धि देखी, इतना नुकसान देखा, इतनी करप्शन देखी, इतनी बेईमानी देखी, इतनी मैंने खुशी देखी, इतनी सुंदरता दिखी, इतने अच्छे लोग देखे, सब कुछ जब मैंने देखा एज प्रशासक फर्स्ट टाइम, अब मैंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखा। अब तक तो मैं डिपार्टमेंट्स चलाती थी ना जी, अब मैंने एक प्रांत देखा, एक प्रशासन देखा जिसमें आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, मंत्री लोग, पब्लिक वॉलंटियर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, एजिटेशन वाले लोग, दोस्त भी दुश्मन भी, मैंने सब कुछ देखा। और बहुत बड़ा प्रांत सारे देखा, इतिहास देखा। तो मैंने एक नया दृष्टिकोण से उसको जब चलाया, तब मैंने देखा ये प्रशासन में है क्या, प्रॉब्लम क्या है। जब आप ईमानदारी से काम करने लगते हैं, किसको तकलीफ होती है, कौन नहीं चाहता ईमानदारी। हमारे देश में जो रुकान रोकने वाला कौन है, पब्लिक तो चाहती है ईमानदार, पब्लिक तो चाहती है स्वच्छता, पब्लिक तो चाहती है ईमानदारी और सफाई और सुरक्षा। कौन है जो इसको रोकता है, कौन है जो इसका पैसा इधर ले जाता है, कौन है जो पैसा को बर्बाद करता है, क्यों, कौन है जो ऑफिसर्स काम नहीं करते, क्यों नहीं करते। पब्लिक सहायता करती, पब्लिक मांग रही, क्यों हमारे सरकारी दरवाजे बंद है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। क्यों बंद है राजनिवास पैलेस गेट, बंद क्यों है, ये पब्लिक प्लेस है, हम क्यों नहीं राजनिवास में लोगों के लिए टाइम रख सकते, आओ मिलो राजनिवास में, कुछ सुनवाई करनी तो करो। और मेरे पास अधिकार है, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, गवर्नर नहीं हूं, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर पावर थी, तो सब कुछ बंद। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरे भी दरवाजे बंद, तो सेवा कौन करेगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हूं, मैं एक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर बाय लॉ हूं, तो मैं भी अपने दरवाजे बंद करूंगी तो प्रशासक थोड़ी मैं हूं, मैं तो महाराजा हूं। तो राजनिवास महाराजा पैलेस नहीं था, तो मैंने दरवाजे खोले, समय उनके लिए लगा, लोगों के लिए, आप 4 से 7 बजे 3 घंटे मुझे रोज मिल सकते हो, किसी को प्रॉब्लम है तो मिल सकते हो, अपना टोकन लीजिए, नंबर से आ जाइए। जैसे जैसे वो लोग आए, मुझे मेरी आंखें, मैं हैरान हो गई, इतने सालों की भड़ास निकली, भड़ास, मैंने बहुत करीब से परेशानियां देखी। फिर मैंने देखा मैं ये ऑर्डर, ये मैं रिपोर्ट ही कॉल करूंगी कि देखूंगी। फिर मैंने हर सैटरडे संडे जाकर प्रॉब्लम्स को देखना शुरू किया, रिपोर्ट नहीं मांगी क्योंकि मुझे पता था रिपोर्ट सच्ची नहीं आएगी, रिपोर्ट गोल क्या हो क्या आएगी, इतनी सारी फाइलें बन जाएगी, काम तो होगा नहीं। तो सैटरडे संडे साइकिल लेते थे, कई बार हम साइकिल पर जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ देखा, इतना कुछ महसूस किया, क्योंकि मैं तो सेवा के लिए गई थी, मुझे नहीं मालूम था कितने साल मुझे रखेंगे, क्योंकि मेरी कोई टेन्योर लंबी नहीं होती थी, हर चीज में हटाया जाता। इस बार ही मेरे टेन्योर भगवान ने फैसला किया लंबा करो, मैं अपना जोड़ती गई, डॉक्यूमेंट्स मेरे, लाइब्रेरी मेरी बनती गई, फाइल्स मेरी बनती गई, और अपने आप किताब निकल के आई। अब ये नहीं मालूम था लिखूंगी कब, ये नहीं मालूम था लिखूंगी कब, लेकिन जब मौका मिला, जैसे सरकार ने, भारत सरकार ने सोचा कि अब मेरा काफी हो गया समय, तो किरण जी वापस जाओ, तो मैं खुशी से लौटी वापस कि अब मुझे मौका मिलेगा। तो पुस्तक लिखने का जो मैंने एक अपने पिताजी से गुण सीखा था डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि अभी आप कह रहे हो ना, एक चित्र जैसे बुक है, चित्र जैसे इसलिए है क्योंकि डॉक्यूमेंट एक एक है कागज का, किसी का नाम है या वो फीलिंग है या वो चित्र है, इसलिए वो सब कुछ मेरे पास है। मेरा एक कमरा डॉक्यूमेंटेशन रूम ही है एलजी हाउस का। सो बुक तो बननी थी,